मैं मुझे क्षमा कीजिए, आप शांत रहेंगे क्या? मुझे क्षमा कीजिए, आप शांत रहेंगे क्या? आप कहे तो मैं बोलना शुरू करूं भाई। आपका प्यार, आपका उत्साह मेरी सर आंखों पर, मैंने कहा ना, मैं आपके प्यार को कभी भूल नहीं सकता हूं। लेकिन मैं बोल ही ना पाऊं, इतना उत्साह करोगे तो इतने लोग हैं वो सुन नहीं पाएंगे। मुझे चिंता सबकी है, आपकी भी है। धन्यवाद भैया। हमारी सरकार उत्तराखंड के सामर्थ्य का लगातार विस्तार करने में जुटी है और इसमें बहुत बड़ी भूमिका पर्यटन की है, यात्रा की है, यात्रा धामों की है। ऋषिकेश तो आसपास के कई राज्यों के लिए, वहां के लोगों के लिए पर्यटन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। और एक जमाना था जब योग की पूरी दुनिया में धूम नहीं थी, तब भी दुनिया के कई देश के लोग जिज्ञासु के नाते योग के लिए ये हमारे ऋषिकेश आया करते थे। मुझे याद है, बहुत पुरानी घटना है, मैं एक बार यूएसए गया था। अब मुझे वो इतना इंटीरियर इलाके में मैं गया था कि मुझे कोई वेजिटेरियन खाना में तलाश रहा था। अब मुझे कहीं अता पता ही नहीं मिल रहा था इतने में एक छोटी सी दुकान में एक अमेरिकन नागरिक छोटी दुकान लेके बैठा हुआ था, लेकिन उसके गले में 3-4 रुद्राष्ट मालाएं थी। तो मैं उसके पास चला गया तो उसने भी नमस्ते करके मुझे मेरा स्वागत किया। फिर मैंने उसको मेरी कठिनाई बताई तो उसने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं वेजिटेरियन हूं, मैं आपके लिए कोई प्रबंध करता हूं। और उसने मुझे अपने तरीके से कुछ वेजिटेरियन बना के खिलाया। और उस समय मेरी उससे बातें हुई कि आपने सब कहां से सीखा है ये माला वाला, तो बोले मैं बहुत सालों से ऋषिकेश जाता आता रहता हूं, बस उसी के कारण मेरी जिंदगी में ये बदलाव आया है। ये ताकत है इस भूमि की, ये सामर्थ्य है इस भूमि का। भाइयों बहनों, पर्यटन के क्षेत्र में